सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि आपको हर चीज़ इनिशियल स्टेजेस में खुद ही सारा कुछ खुद ही करना होता है. वी डोंट हैव दैट प्लेटफॉर्म हेयर इन पाकिस्तान जहाँ पे आप शुरू में किसी रिकॉर्ड लेबल के पास जाते हैं और वो आपसे. हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई कोई भी रिकॉर्ड लेबल या कोई भी स्पॉन्सर किसी नए आर्टिस्ट के साथ काम करने में दे थिंक इट्स अ गैम्बल, वो रिस्क करने से डरते हैं. जबकि हो भी सकता है कि डीप डाउन इनसाइड दे नो कि नहीं यार ये आर्टिस्ट हो सकता है सक्सेसफुल हो. नॉट जस्ट मी, इट कुड बी एनीबडी. लेकिन हमारे यहाँ इस तरह करते नहीं हैं. एक कमर्शियल वैल्यू हमारे यहाँ पैसे का इतना ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं उसे, लव फॉर मनी इज़ प्रॉब्ली मोर देन लव फॉर यू नो फॉर द पैशन ऑफ म्यूजिक इटसेल्फ, व्हिच इज़ क्वाइट क्वाइट अ सैड पार्ट. मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि आंख बंद करके फॉर द पैशन ऑफ म्यूजिक इटसेल्फ आपकी मदद करने को तैयार है. कोई नहीं करता. हर बंदे को सबसे पहले पतियां नजर आ रही होती हैं तो कोई बात आगे बढ़ती है, विच इज़ वेरी सैड. अब जैसे अभी का आप एग्जाम्पल ले लें, मैं आई बीन वर्किंग विद फैसल रफ़ी फॉर द पास्ट 1 ईयर नाउ, और द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग विद हिम इज़ कि उनके साथ मुझे इस चीज़ की किसी किस्म की स्ट्रेस उठानी नहीं पड़ी कि जी जब तक मैं कोई यू नो पैसे नहीं दूंगा काम आगे नहीं, बिकॉज मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस की हैं इन माई लाइफ. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि जहाँ पे लोगों ने एक प्रॉब्लम और मुझे जो बहुत बड़ी फेस करनी पड़ती थी वो ये थी कि लोगों से अगर मैं कभी किसी काम की बात करता था तो लोगों का पहला रिएक्शन ये होता था कि यार तुम मैडम के बेटे हो तो तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, तुम्हारे लिए तो यूं है, तुम्हारे लिए तो हम वो. आई रियली रिस्पेक्ट दैट जेस्चर ऑफ दोज पीपल, बट अफसोस की बात ये होती थी कि वो जेस्चर बहुत देर तक वो होल्ड नहीं कर पाते थे. बिकॉज मैंने हमेशा अपनी लाइफ में मैंने जब भी काम किया आई हैव मेड श्योर कि जो जिस बंदे का ड्यू बनता है वो उसको मैं उसके काम से पहले, वरना जब भी पॉसिबल है मैं उसको दूं जरूर. अब वो मैं हमेशा हर बंदे से पहली बात ही करता था कि यार आप मुझे बता सकते हैं कि आप व्हाट वुड यू प्रोबब्ली बी चार्जिंग फॉर अ सॉन्ग अगर मैं आपके पास रिकॉर्ड करता हूँ. तो मुझे सबसे पहली चीज़ सुनने को ये मिलती थी कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मतलब तुम हमारे भाइयों की तरह हो, हमारे बच्चों की तरह हो, और आप काम शुरू करो एंड वील टेक केयर ऑफ दैट लेटर ऑन. मैं शुरू शुरू में तो मुझे बड़ी इस बात को सुन के खुशी होती थी कि अच्छा जी मतलब दैट्स वंडरफुल अगर कोई इस तरह की बात कर सकता. बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत मैं वही बता रहा हूँ कि द लव फॉर मनी हैज़ एक्चुअली टेकन अवे अ लॉट फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री दैट वी लिव इन. अब लोगों का काम ही होता था कि फिर आप पीछे पड़े रहते थे कि यार भाई काम कर दो यार, वो गाना अगर हो सकता है तो कर दो, नहीं हो सकता तो भी बता दो. If you want, I can go somewhere else, do it somewhere else. वो सारी problems face करते 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 when eventually I got to this place, for which I'm actually thankful to Umar Anwar a lot, because Umar भाई के through मैं फैसल भाई से मिला था. और मुझे इस तरह की problem यहाँ face करने को नहीं मिली, just because the love for the passion of music itself was a lot more than the love for money over here. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आ जा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे. चाहत है अगर आके मुझसे मिल.